हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज दर्शन। एंड आज हम करने वाले हैं ड्रीम योगा बाइक का रिव्यू। तो हमारे सामने है अभी ड्रीम योगा खड़ी, जो जिसका इंजन है 110 सीसी का इंजन आता है। और इस गाड़ी को होंडा कंपनी ने आई थिंक 7 या 8 साल पहले लॉन्च किया है। और क्या क्या इस गाड़ी में दिया है फीचर्स वगैरह, वो मैं आपको गाड़ी का पूरा रिव्यू करके देने वाला हूँ। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहे। और अगर आपको कोई कैमरा या फिर माइक खरीदने की इच्छा हो रही है, तो मैं जो कैमरा और माइक यूज़ करता हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार लिंक को चेक कर लीजिए। तो हम चलो गाड़ी का रिव्यू आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में आपको 18 इंच का टायर मिल जाएगा, और जो टायर कंपनी प्रोवाइड करती है वो टायर रहता है ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा आपको, तो दिक्कत नहीं रहेगी। अभी के हिसाब से ही टायर दिया गया है कंपनी द्वारा। तो ऐसा कुछ इंजन मिल जाएगा आपको, 110 सीसी का इंजन है इस गाड़ी का। और इसमें आपको किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन में मिल जाएगी गाड़ी आपको अवेलेबल। तो ये गाड़ी को पूरा होंडा कंपनी ने इस बेसिक्स पे बनाया है कि कोई जॉब करने वाला पर्सन है उसके लिए गाड़ी को बनाया है, और सिंपल यूज़ के लिए गाड़ी बनाई गई है कंपनी के द्वारा। अभी गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है और दूसरा मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। ऐसा कुछ इंजन मिल जाएगा, 4-स्पीड गियर ऑप्शन मिल जाता है आपको इस गाड़ी में, और इसमें शॉक एब्जॉर्बर सिंपल लुक में ही मिलेंगे आपको। और ऐसा कुछ इसमें साइड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और बैक लाइट ऐसी कुछ मिल जाएगी आपको एक गाड़ी में। मोटा मोटा इस गाड़ी में आपको नॉर्मल सा आपको बटन मिलते हैं। इस गाड़ी में पास का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और एक की आगे हेडलाइट मिलती है। इसमें आपको लो लाइट हेडलाइट मिलेगी नहीं, इसमें सेल्फ का ऑप्शन इधर मिल जाएगा आपको। तो मोटा मोटा नॉर्मल मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। इस गाड़ी को हम चला करके देखते हैं क्या फील आती है, और क्या फील मेरे को देखने में मिलती है, क्या फील मेरे को फील होता है गाड़ी का इंजन वगैरह, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। फ्रेंड्स, हमने सीट पर बैठ गए हैं, तो अभी इधर से आपको ड्राइविंग पोस्चर में मेरी आंखों के सामने ही कैमरा रख रहा हूँ अभी, और कैसा ड्राइविंग पोस्चर मिल रहा है इस गाड़ी में, कैसा ड्राइविंग पोस्चर है मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा मेरे शब्दों में। तो फिर हमारे पास एक की है, की डाल दी है, और हम शुरू करते हैं गाड़ी को। तो अभी हमको न्यूट्रल का साइन मिल गया है गाड़ी के स्पीडोमीटर में। इसमें एक 140 तक की स्पीड बताई गई है, इसमें 140 तक की स्पीड दिखाई गई है। और ये गाड़ी है वो 54783, तकरीबन 54,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, ओल्ड गाड़ी है। अगर आप गाड़ी ओल्ड बाइक परचेज करना चाहते हो, और कैसी ओल्ड बाइक रहेगी होंडा ड्रीम युगा, तो इस गाड़ी का वीडियो देख के आपको अनुमान लगा सकते हो। और इसमें पेट्रोल का आपको दर्श भी मिल जाएगा। तो हम गाड़ी को शुरू करते हैं, और शुरू करके मैं आपको फ्रेंड्स, हमने ये गाड़ी का इंजन हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको कैसा इंजन का आवाज़ सुनाई देता है, अगर आप ओल्ड परचेज करना चाहते हो कैसा इंजन का आवाज़ सुनाई देगा। तो ये अभी इंजन स्टार्ट है, आपको कैसा आवाज़ आना चाहिए मैं आपको। ये इंजन साउंड आपको नॉर्मल है, तो ऐसा इंजन का साउंड अगर बाइक का रहेगा तो इंजन अच्छा मान सकते हैं। ये इंजन इस बाइक का अच्छा है, ऐसी आवाज़ क्वालिटी आपको नज़र आए इंजन में, तो आप आँख बंद करके भी गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम ड्राइव करते हैं इस बाइक को। क्या तो हम गाड़ी को अभी फर्स्ट गियर में डाल के अभी रन करवाते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी को। तो ऐसा कुछ इसमें का स्पीडोमीटर थोड़ा बंद है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट उसके बारे में मत करना, क्योंकि ये ओल्ड बाइक है, तो ओल्ड बाइक में ऐसा कुछ तो आपको खर्च वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा बहुत खर्चा तो कोई भी ओल्ड बाइक खरीदते हो तो करना पड़ता है हमको, तो ऐसी कुछ इसमें। तो इसमें उठने का कैसा है, सबसे पहली बात आती है ड्रीम योगा बाइक है वो उठती कैसे है। तो फर्स्ट गियर में डाल के हमने सेकंड गियर पंच करते हैं, तो कैसी उठती है इसमें
आपको पिकअप क्वालिटी कैसी मिलती है मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे अंदर से तो मैं आपको बता सकता हूँ, तब तक इसकी जो 110 cc के हिसाब से पिकअप क्वालिटी बहुत शानदार रखी है होंडा वालों ने, अच्छा काम किया है। इंजन की फिल्ट्रेशन की पद्धति पे तो अच्छा खासा काम किया है गाड़ी के इंजन पे। और ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करें तो ड्राइव क्वालिटी अच्छी खासी मेरे को लग रही है। तो इसमें गाड़ी कहीं पे भी स्लिप नहीं हो रही है हमारे हाथ से, तो अच्छा दो जन के लिए बाइक परफेक्ट बनाई है होंडा ने। तो मोटा मोटा मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझाने की ट्राई की है, क्या क्या ड्राइव क्वालिटी और क्या क्या टायर क्वालिटी है और सब के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर कुछ और सवाल आपके मन में होता है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो मेरे को। मैं आपका कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो मैं आपको जवाब देने की ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा ड्रीम युगा के बारे में सारा कुछ बताने की ट्राई किया है मैंने, और फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोगों की ही चैनल है। थैंक यू सो मच।